नहीं, वो माइक नहीं ऑन किया था हम। आई है जोमैटो गोल्ड विल बी जोमैटो गोल्ड विल बी यूटिलाइज इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, जो भी होगा क्लास के बाद होगा, अभी तो कुछ भी नहीं होगा। एनीवेज, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, राइट। सबसे पहले हम लोग को यह समझना पड़ेगा, ये चैप्टर समझने के पहले, कि हाउ अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, राइट। तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन सीख रहे हैं हम लोग, क्या सीख रहे हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेशन। तो सर हम लोग भी रियल लाइफ में कर सकते हैं? हाँ बेटा, मैं आपको बेसिक स्टेप्स बता रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल वन, राइट। कंपनी इनकॉर्पोरेशन का स्टेप्स क्या है, सबसे पहले देख लीजिए कि डायरेक्टर लोग का डिन एप्लीकेशन किया हुआ है कि नहीं, राइट। कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स हैं, सबका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, क्या होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिन एप्लीकेशन। उसके बाद आप नेम अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हैं, किसके लिए, नेम अप्रूवल, कंपनी का जो नाम है उसका अप्रूवल के लिए। यू हैव टू सजेस्ट सिक्स नेम्स, राइट। आपका पहला प्रेफरेंस क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद, बिकॉज द नेम यू वॉन्ट, इट मे बी देयर की दिस नेम हैज बीन टेकन बाई समवन एल्स, राइट। सो नेम अप्रूवल। उसके बाद, अच्छा, नेम अप्रूवल में भी बहुत चक्कर है, मैक्सिमम नेम्स दे रिजेक्ट। अगर नेशनल वर्ड या ये सब कुछ वर्ड रहेगा तो भारत नेशनल, इफ यू आर यूजिंग दिस वर्ड इंडिया, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, दे कैन नॉट इजिली ग्रांट दिस नेम्स। मतलब कुछ कुछ वहां पे साइट में आप देखेंगे लिया हुआ है कि अगर आप, इफ यू आर यूजिंग दिस नेम्स तो दिस थिंग यू हैव टू डू, इस टाइप का कुछ है। तो कौन, कोई भी कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है, वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन ऑल्सो रजिस्टर अ कंपनी, राइट। बट मैं आपको इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर बता रहा हूं, एक बेसिक स्टेप्स बता रहा हूं, डिन एप्लीकेशन, नेम अप्रूवल, ठीक है। नाउ आप रजिस्ट्रेशन का सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे, जैसे एमओए बनाएंगे, एओए बनाएंगे, राइट। इसमें आपका कैपिटल क्लॉज क्या है, आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या, पूरा डिटेल में रहता है। देन आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, राइट। आजकल तो सब ऑनलाइन हो गया है, मतलब ये सब काम आप रेडी करेंगे। एंड देन यू गेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सो व्हाट हैपेंस, कैन दिस प्रोसेस बी कंप्लीटेड इन वन डे, वन वीक, इट टेक्स टाइम। ऑन एन एवरेज 15 से 20 दिन लगेगा। आज हम डिन एप्लीकेशन करेंगे, सब कुछ वेरीफाई होगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, डायरेक्टर का नंबर आएगा, अच्छा बीच में पैन वगैरह के लिए भी अप्लाई कर देंगे, राइट। कंपनी इनकॉर्पोरेट होगा उसके बाद पैन। सो देर आर स्टेप्स, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन के बाद यू कैन अप्लाई फॉर पैन, देन यू कैन ओपन बैंक अकाउंट, राइट। इस तरीके का कुछ होगा। सो जो भी प्रोसेस है, दिस प्रोसेस डज नॉट गेट कंप्लीटेड इन वन डे, यस और नो। हाँ, जैसे हाल ही में हमने एक पार्टनरशिप डीड बनाया, चार पार्टनर को कोई बिजनेस स्टार्ट करना था, तो हमने डीड बनाया, उसको नोटरी करवाया, नोटरी करवाने के बाद उसका स्टैंप वगैरह बनवाया, स्टैंप वगैरह बनवाने के बाद ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, राइट। ट्रेड लाइसेंस आया, फिर हमने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया, पैन नंबर आया, फिर मेरा बैंक अकाउंट खुला, बैंक अकाउंट खुला, फिर मैंने GST रजिस्ट्रेशन कराया, टाइम लग गया ना। तो सब जो रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज है, इट कैनॉट बी कंप्लीटेड इन वन डे, वन वीक, वन मंथ, इट टेक्स टाइम, दो तीन महीने लगेगा, राइट। तो इसका मतलब ये चीज क्लियर है कि ये कंपनी का इनकॉर्पोरेशन इज नॉट अ मैटर ऑफ वन डे वन वीक। कम से कम अगर आदमी कोशिश भी करेगा तो 15 से 20 दिन लग जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हाथ में आने में। दिस इज द लाइसेंस दैट द कंपनी इज रजिस्टर्ड इन द आईज ऑफ कंपनी लॉ, नाउ यू कैन डू बिजनेस विथ दिस नेम, राइट। अभी होगा क्या, प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, चैप्टर का बैकग्राउंड देखो, खाली बैकग्राउंड समझ जाओ, चैप्टर बहुत ईजी है। ये मेरा लास्ट फाइनेंशियल ईयर है,
ठीक है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर बिजनेस मिस्टर एक्स का था सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, आराम से धंधा कर रहा था। अब इसको एक्सपैंड करना है, क्या करना है इसको एक्सपैंड करना है। तो आपको पता है एक अकेला आदमी कितना रुपए लगाएगा, तो एक्सपैंड करने के लिए आपको कंपनी फॉर्म करना पड़ेगा। तो कंपनी फॉर्म कब करने का एडवांटेजेस क्या है, लोग कंपनी क्यों बनाते हैं, यू कैन इश्यू शेयर्स, यू कैन एक्सेप्ट मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स, राइट सुनो, तो आप एक कंपनी फॉर्म करते हैं राइट, क्योंकि आपको ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना है। अगर मेरे को 20 लोगों को इन्वॉल्व करना है तो आई कैन गो फॉर पार्टनरशिप अग्रीमेंट, उससे भी ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना देन आई हैव टू मेक अ कंपनी राइट, देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, तो मैं कंपनी बनाऊंगा राइट। तो अभी तक मैं बिजनेस मिस्टर एक्स के नाम पे कर रहा था, नाउ द प्रॉब्लम विल से दैट करेंट फाइनेंशियल ईयर में यू वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इन टू अ कंपनी, कन्वर्जन ऑफ सोल प्रोप्राइटर इन टू कंपनी, ठीक है, मतलब सपोज मेरा 2018 है, क्या है करेंट फाइनेंशियल ईयर इज 2018 राइट, फर्स्ट जनवरी 2018 से बिजनेस इन द नेम ऑफ कंपनी। अगर आपका डिन एप्लीकेशन किया हुआ है ना तो नेम अप्रूवल आपका एक दो दिन में हो जाएगा राइट, अगर आपका डायरेक्टर्स लोग का डिन एप्लीकेशन किया तो नेम अप्रूवल आपका एक दो दिन में हो जाएगा। सो वॉट एवर बी द सिनेरियो, समझ में अभी तक मैं बिजनेस क्या किस लिए किस नाम से कर रहा था मिस्टर एक्स, अभी मेरा हम कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, एक्सपैंड करना है, ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना है राइट। सर कंपनी में मैंने पढ़ा है लाइबिलिटी ऑफ द ओनर्स लिमिटेड हो जाता है, सोल प्रोप्राइटर में लाइबिलिटी ऑफ द ओनर इज अनलिमिटेड, क्योंकि आप जितना बड़ा धंधा करेंगे रिस्क उतना ज्यादा बड़ा होता है, तो इट्स बेटर टू लिमिट दैट ना, लाइबिलिटी को लिमिटेड रखो। सो क्या रीजन से वो कंपनी फॉर्म करना चाहता है, दैट इज नॉट माई लुक आउट एंड आई एम नो वन टू कमेंट ऑन दैट। ही वॉज डूइंग बिजनेस अंडर सोल प्रोप्राइटरशिप, नाउ ही वॉन्ट्स टू गेट कन्वर्टेड इन टू कंपनी। सर गवर्नमेंट नहीं अलाउ करेगी, अरे गवर्नमेंट कौन होती है रोकने वाली, आपको पता है एक इंडिविजुअल जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न लगाता है तो सरकार उसको छूट देती है, जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा अप टू 5 लाख इनकम नो वन इज सपोज टू पे टैक्स, है ना, यस और नो, अगर किसी का 5 लाख तक इनकम है तो उसको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, तो रिलीफ मिला ना 5 लाख पे नो टैक्स। अगर आपका 5 के ऊपर क्रॉस करता है, 5 के ऊपर अगर क्रॉस किया तब आपका टैक्सेबिलिटी 2.5 से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब देन ऑल्सो यू आर गेटिंग 2,50,000 का फायदा, कंपनी बनाने से यह फायदा नहीं होगा। कंपनी बनाने से सरकार को फायदा है, सरकार 0 से उसका टैक्सेबिलिटी स्टार्ट हो जाता है, मतलब तुम 2 लाख कमाओगे तो उसका 30% स्ट्रेट अवे, और इंडिविजुअल में क्या है अप टू 2.5 लाख तक 0, 2.5 से 5 5% है, फिर 5 से 10 20% है, 10 के ऊपर जाने से 30 का स्लैब में आता है। कंपनी बना लोगे, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, 0 से सरकार तो कोई मना नहीं करेगा, भैया हमको एक्सपैंड करना है, हमको लोगों को इन्वॉल्व करना है, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट राइट। तो कंपनी क्यों बनाना चाहता है यह मुद्दा नहीं आएगा हम लोग का चैप्टर में, बाधा नहीं डालेंगे। अभी तक सोल प्रोप्राइटरशिप के नाम से बिजनेस कर रहा था, नाउ ही वॉन्ट्स टू गेट कन्वर्टेड इन टू अ कंपनी, ना उसका प्रोज एंड कॉन्स क्या वो समझे, हम लोग अकाउंटेंट आदमी है, हम लोगों के पास में ये केस आएगा कंपनी क्यों बनाया होगा, पक्का इसका कोई इरादा बड़ा है, अरे क्या इरादा, उससे तुमको क्या लेना देना है राइट। तो फर्स्ट जनवरी 2018 से इसने डीन एप्लीकेशन पहले ही कर लिया था और नेम अप्रूवल दे दिया, तो फर्स्ट इसका नाम भी आ गया, तो ही हैज डिसाइडेड कि फर्स्ट जनवरी 2018 से द बिजनेस विल रन इन द नेम ऑफ कंपनी, व्हाटएवर,
तो ये जो कंपनी से अब कंपनी के नाम से धंधा हो रहा है, जो एक्स लिमिट एक्स के नाम से था, अब इस बिजनेस का नाम क्या होगा? एक्स प्राइवेट लिमिटेड या एक्स लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड बनाना चाहता है, प्राइवेट लिमिटेड बनाना चाहता है, ये जानता है, राइट? तो हम एक तारीख से हम धंधा क्या नाम से कर रहे हैं? बिजनेस इन द नेम ऑफ एक्स प्राइवेट लिमिटेड, राइट? नाउ जिस कंपनी के नाम से हम बिजनेस कर रहे हैं, वो कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट कब आएगा? दिस इज बर्थ सर्टिफिकेट। इसका बर्थ सर्टिफिकेट डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आते आते 1 अप्रैल हो गया। ऐसा प्रोफेशनल से काम करा रहा बहुत ढीला आदमी है, बोलता है एमओए बनाएंगे, एओए बनाएंगे, फॉर्म भरवा लेंगे, समझ रहा है? लेजी टाइप का आदमी है, राइट? सो कंपनी बिजनेस कब, कौन सा तारीख से कर रहा है? वी आर डूइंग, पहले एक्स के नाम से था, नाउ वी आर डूइंग इट बिजनेस इन द नेम ऑफ एक्स प्राइवेट लिमिटेड। बट उसका बर्थ सर्टिफिकेट कब आया? 1 अप्रैल को। कब आया? 1 अप्रैल को। और 31 December 2018 इज फर्स्ट ईयर एंड ऑफ कंपनी। समझ में आ रहा मेरा बात? हा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कॉपी दिस, ये डायग्राम को कॉपी करो। ठीक है, तो हम खाली करेंट फाइनेंशियल ईयर का बात करेंगे। हमको बताओ कंपनी धंधा कौन से तारीख से कर रही है? 1 जनवरी से। क्या? 1 जनवरी से। लेकिन उसका बर्थ सर्टिफिकेट कब आया? 1 अप्रैल से। नेम अप्रूवल पहले हो गया था, लेकिन रजिस्ट्रेशन बाद में हुआ है, राइट? और फर्स्ट ईयर एंड दिसंबर है। तो डोंट यू थिंक कि कंपनी का जन्म होने से पहले से, लीगल टर्म से बात करें, कंपनी का जन्म होने के पहले से कंपनी बिजनेस कर रही है? अजूबा है ये, आठवां अजूबा। जन्म होने के पहले बच्चा कर्तव्य दिखा रहा है, राइट? समझ में आ रहा है? तो कंपनी का जन्म होने के पहले, लीगल टर्म्स में कंपनी उसके पहले से बिजनेस कर रही है, बरोबर है? सिचुएशन देखे तो यही समझ में आ रहा है। पहला तारीख से कंपनी के नाम से धंधा कर रहे हैं, लेकिन उसका बर्थ सर्टिफिकेट उसको 3 महीना बाद मिला। तो सिचुएशन देखिए, यही समझ में आ रहा है, कंपनी पहले से बिजनेस कर रही है, उसका बर्थ हुआ है 1 अप्रैल को, कंपनी इज डूइंग बिजनेस फ्रॉम प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रायर टू बर्थ सर्टिफिकेट, यस और नो? सिंपल है ना, समझ में आ रहा है? अब कंपनी लॉ का प्रोविजंस में क्या लिखा हुआ है? अगर कोई भी कंपनी अर्न्स एनी प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, एनी प्रॉफिट बिलोंगिंग टू द कंपनी, अब तो प्रॉफिट कंपनी का ही है, कंपनी के नाम से धंधा हो रहा है तो प्रॉफिट कंपनी के बुक्स में ही आएगा,
एनी प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन बिलोंगिंग टू द कंपनी इज अ कैपिटल प्रॉफिट. कैपिटल प्रॉफिट का मतलब है आप इस प्रॉफिट से शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं. आज कंपनी कमाएगी वो डिविडेंड के रूप में बटता है ना. सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, प्रॉफिट अपने कैपिटल में ऐड कर देते हैं, फिर ओनर विड्रॉ करना स्टार्ट करता है, ड्रॉइंग्स करता है. तो हो सकता है वो प्रॉफिट का ड्रॉइंग्स कर रहा हो, और जब प्रॉफिट के बाद भी वो ड्रॉइंग्स कर रहा है, इसका मतलब वो कैपिटल ड्रॉइंग्स कर रहा है. लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी में कैपिटल अलग रखा जाता है और जो प्रॉफिट है वो अलग से रहता है. उस प्रॉफिट से फिर आप शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं. सो एनी प्रॉफिट अर्नड बाय द कंपनी, जाहिर सी बात है धंधा पहले से कर रही है. अच्छा सर जन्म होने के पहले से कैसे कमा सकता है कंपनी, सुनो ध्यान से, रनिंग बिजनेस को ही आपने कन्वर्ट किया ना. आज हम क्या नया धंधा चालू कर रहे हैं, इज इट अ न्यू बिजनेस? नो, इट्स अ रनिंग टेक ओवर, चलता हुआ बिजनेस कंपनी के नाम से कर रहे हैं, या यू कैन से कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ने चलता हुआ बिजनेस को खरीद लिया. आप फर्स्ट जनवरी 2018 से आप कंपनी के नाम से बिजनेस कर रहे हैं ना, इसको यू कैन टेल इन अदर वे दैट कंपनी हैज परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम विच डेट. तो बहुत सारे क्वेश्चंस में यू विल फाइंड इट डेट ऑफ टेक ओवर बोलेगा इसको, क्या बोलेगा इसको, डेट ऑफ टेक ओवर, डेट ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस. सो यू कैन टेल एनीथिंग दैट फर्स्ट जनवरी से आई एम डूइंग बिजनेस इन द नेम ऑफ कंपनी विच वॉज प्रीवियसली कैरिड इन द नेम ऑफ एक्स, और यू कैन टेल लाइक दिस ऑल्सो कि कंपनी हैज परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम फर्स्ट ऑफ जनवरी. इज दैट फाइन, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, तो यू कैन से दैट बिजनेस जो एक्स के नाम पे हो रहा था फर्स्ट जनवरी से कंपनी के नाम पे होगा, और यू कैन से द अदर वे, क्या कंपनी हैज परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस. तो प्रॉफिट तो होगा ही इनकॉर, यहीं से प्रॉफिट आना चालू, रनिंग बिजनेस है ना. प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, तो इसका मतलब कंपनी हैज अर्नड प्रॉफिट, कंपनी हैज अर्नड प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज नोन एज कैपिटल प्रॉफिट. कैन यू गिव डिविडेंड आउट ऑफ इट? नो. अच्छा, बर्थ सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपने जो भी कमाया है उसको बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट. क्या आप उससे डिविडेंड दे सकते हैं? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सर एक काम करते हैं, जिस दिन से कंपनी के नाम से बिजनेस हो रहा है या कंपनी जिस दिन से रनिंग बिजनेस को खरीद रही है, वहां से लेके बर्थ सर्टिफिकेट का अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाइए, ये 3 महीने का. तो अलग बुक्स बनेगा तो अलग से प्रॉफिट आ जाएगा, और इनकॉर्पोरेशन से फर्स्ट ईयर एंड का अलग बुक्स बनाइए. लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है. प्रैक्टिकल लाइफ का बात करोगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में पूरा साल का सिंगल बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है. क्या सिंगल बुक्स? ओ, अब समझ में आ गया, पूरा साल का सिंगल बुक्स. तो हम लोगों को एग्जाम में बोलेगा ये 3 महीने का प्रॉफिट बताओ और ये 9 महीने का प्रॉफिट बताओ. यस और नो? यही तो समझ में आ रहा है देख के, क्योंकि सर इससे आप डिविडेंड नहीं दे सकते प्रायर वाला से, और बर्थ सर्टिफिकेट के बाद जो कंपनी कमाएगा उससे आप डिविडेंड दे सकते हैं, और पूरा साल का सिंगल बुक्स है. इसका मतलब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, सिंगल बुक्स आएगा और अपने को क्या बोलेगा, प्रायर इनकॉर्पोरेशन वाला प्रॉफिट बताओ और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वाला प्रॉफिट बताओ. सर हम लोग को पीएल बना के दे देगा. यस, सिंगल पीएल बना के देगा पूरा साल का, उसी को बाइफरकेट करना है. इज दैट फाइन? हाँ, सबसे पहला बात बताओ, कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, यस और नो? व्हाई? कंपनी हैज परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस, रनिंग बिजनेस, ठीक है, यस और नो? अच्छा, कंपनी लॉ में क्या लिखा है,
अगर प्रायर इनकॉर्पोरेशन कंपनी कुछ कमाती है जो इस केस में हो रहा है, उसको कौन सा प्रॉफिट बोला जाता है? कैपिटल प्रॉफिट। उससे डिविडेंड दे सकते हैं आप? नहीं दे सकते। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंपनी जो भी कमाएगी रेवेन्यू प्रॉफिट, उससे आप डिविडेंड दे सकते हैं। तो प्रैक्टिकली लोग को क्या करना चाहिए, जिस दिन से बिजनेस कंपनी चालू की वहां से लेके डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक अलग बुक्स, और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेके फर्स्ट ईयर एंड तक अलग बुक्स। बट रियल लाइफ में पॉसिबल है क्या? तो रियल लाइफ में क्या होता है, पूरा साल का सिंगल बुक्स बनता है, पूरा साल का सिंगल पीएल बना के देगा क्वेश्चन में। व्हाट इज आवर ड्यूटी, उसको बाइफरकेट करना है प्री में पोस्ट में। इज दैट फाइन एवरीवन? सबको समझ में आ गया हम क्या बोल रहे हैं? हाँ, अभी हम लोग लिखेंगे और उसका फिर सम्स करेंगे इस चैप्टर में। और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, आज ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर प्रैक्टिस करेंगे। बट आई विल गिव यू वन और टू सम्स, इसके बाद बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है, हैव पेशेंस, एंजॉय। मिटा दें इसको, बरोबर है? आइए, ठीक है, लिखो। पहले कंपनी लॉ का आइए, लिखेंगे आप लोग। पॉइंट नंबर वन, पॉइंट फॉर्म में लिखा रहे हैं, इजी होगा। व्हेन अ रनिंग बिजनेस इज टेकन ओवर बाय द कंपनी, व्हेन अ रनिंग बिजनेस इज टेकन ओवर बाय द कंपनी, फ्रॉम अ डेट prior to its incorporation, when a running business is taken over by the company from a date prior to its incorporation, then amount of profit earned by company prior to incorporation is known as capital profits and hence not available for distribution of dividend. A running business is taken over by the company from a date prior to its incorporation, then amount of profit earned by the company prior to incorporation is known as capital profit, and usse aap dividend nahi de sakte. Theek hai? ठीक है, नाउ इन ऑर्डर टू
फाइंड आउट, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट, मैं अपना लैंग्वेज में लिखा रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है ना, इंग्लिश थोड़ा इधर उधर हो सकता है बट मुद्दा समझ जाना, हालांकि होगा नहीं, हम अच्छे कॉलेज से पढ़े हैं। हाँ, आई हैव स्टडीड फ्रॉम सेंट जेवियर्स, इट्स रिटन इन माय फेसबुक प्रोफाइल, यू कैन चेक दैट, एंड आई हैव फ्यू फोटोज एंड द बैकग्राउंड इज सेंट जेवियर्स, सो हाँ, आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर सेंडिंग आवर वीडियोज जम्मू कश्मीर, या वी आर सेंडिंग, सेकेंड सेम में दैट वो बैच कॉस्टिंग का क्लास था विच वी अपलोडेड इन यूट्यूब एंड ही वॉज, मतलब क्या बोलू मैं, ही जस्ट कॉल्ड मी, सर मैं जम्मू कश्मीर में रहता हूँ, आई नीड योर क्लासेस क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट वीक वी आर सेंडिंग टू लंडन ऑल्सो, एनीवेज नॉट रिक्वायर्ड, सो आई हैव टू डिलीवर माई लेक्चर्स इन इंग्लिश, सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, we should prepare profit and loss account at the date of incorporation, हाँ या ना, जिस दिन से कंपनी बिजनेस कर रही है 1 अप्रैल को हमको फाइनलाइज करना चाहिए, बट इन प्रैक्टिस सिंगल सेट ऑफ बुक्स इज मेंटेन्ड थ्रू आउट द अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, देयरफोर प्रॉफिट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर needs to be split into how many parts? 2 parts. Number 1, number 2. Batao. Pehla hoga from date of purchase se leke date of incorporation. डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इसको क्या बोलते पता है, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, और प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में जो प्रॉफिट होता है उसको कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं, कैपिटल प्रॉफिट, इज दैट फाइन, एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम टेल मी नाउ, हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, चलो 10 नंबर का आएगा ये टॉपिक, सो फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेके 1st year end, इसको क्या बोलेंगे, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, एंड दिस इज व्हाट प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट,
ठीक है हाँ अच्छा ये हो गया हाँ बरोबर है हाँ सबको समझ में आ गया। अब एक और छोटा सा चीज बताएंगे और उसके बाद हम लोग आगे आ जाएंगे। हटा दें इसको। सपोज हम इस चैप्टर से नहीं बात कर रहे और आउट ऑफ द बॉक्स बात करते हैं। एक्स शर्मा परचेस्ड अ कार फॉर रुपीज 5 लाख फ्रॉम मारुति उद्योग लिमिटेड। आई हैव नॉट टेकन एनी मनी फ्रॉम मारुति बट स्टिल शर्मा परचेज द कार फॉर रुपीज 5 लाख फ्रॉम मारुति उद्योग लिमिटेड राइट। टेल मी शर्मा ने क्या खरीदा? कार खरीदा ठीक है। परचेजर का नाम है शर्मा। कितने में खरीदा? परचेज कंसिडरेशन पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन। कब खरीदा? आज। हा पीसी पेबल कब है? पैसा मतलब पैसा देना कब है? आज ही देना है ना भैया। सामान कब खरीदे हो? आज से गाड़ी किसका हुआ? शर्मा जी का। शर्मा जी बगल में किसको बैठा के आज से गाड़ी चलाएंगे? मिसेस शर्मा को या मास्टर शर्मा? एक शादीशुदा आदमी तो शादीशुदा वाला ही बात करेगा ना कि तुम लोग का बैचलर की तरह बात करेगा। शर्मा ने खरीदा परचेस कंसिडरेशन 5 पेटी आज खरीदा आज पैसे देने हैं। शर्मा जी मारुति को बोलते हैं मेरा ना पैसा आया नहीं है कहीं अभी आएगा 1 महीने बाद और आई एम गोइंग थ्रू सम इश्यूज विथ माय बैंक अकाउंट आई कैन नॉट पे यू। बैंक वाला बोला 15 दिन लगेगा रिजॉल्व होने में। यस और नो? हा ठीक है ना। मारुति वाला क्या बोलता पता है? ले जाइए सर कोई वांदो ना थी आपको इंटरेस्ट 10% पर एनम के हिसाब से अगर आप 1 महीना बाद देंगे तो 30 दिन का ब्याज लगाएंगे, 2 महीना बाद देंगे तो 2 महीना का लगाएंगे, 3 महीना बाद देंगे तो 3 महीना का लगाएंगे। सर ये धंधा है और धंधा में रकम का बहुत बड़ा कीमत होता है। आज आप हमको पैसा देंगे हम हमारा क्रेडिटर को टाइमली दे पाएंगे, क्रेडिटर हमको फिर सप्लाई करेगा। आप हमको नहीं दीजिएगा मेरा क्रेडिटर को हम टाइमली नहीं दे पाएंगे, मेरा क्रेडिटर हमको माल नहीं देगा और जो उसका पैसा बाकी उस पर ब्याज चढ़ाएगा तो हम भी आप पे चढ़ाएंगे। रकम का ब्याज होता है राइट। तो परचेजर शर्मा है पीसी 5 लाख डेट आज पे पैसा भी आज ही देना है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। बोला ब्याज लगेगा सर। कंपनी के साथ भी ऐसा ही होगा इस केस में। ध्यान से देखो 1 जनवरी 2018 को कंपनी परचेस्ड यस और नो? डेट ऑफ टेक ओवर है ना, ये डेट ऑफ परचेज है राइट। एक्स का बिजनेस इज रनिंग इन द नेम ऑफ नाउ कंपनी, ऐसे भी बोल सकते हैं या ऐसे भी बोल सकते हैं कंपनी ने एक्स का बिजनेस खरीद लिया। कंपनी परचेस्ड
अ रनिंग बिजनेस बोल सकता हूं मैं, तो ये डेट ऑफ टेकओवर हो गया। हमने बिजनेस खरीदा है, मतलब जो एसेट एंड लाइबिलिटी एक्स के थे वही बिजनेस। ये सर नो, आज मान लो मैं किसी को बेच देता हूं ये, हालांकि मैं बेचूंगा नहीं, अगर मैं बेच देता हूं तो जो एसेट एंड लाइबिलिटी आज मेरे हैं वो कल मेरे परचेजर के होंगे। बट ऑब्वियस है, अगर हमने किसी के बिजनेस खरीदा, बिजनेस मतलब क्या होता है, क्या होता है बिजनेस, बिजनेस में जो एसेट है लाइबिलिटी है, और क्या होता है बिजनेस। तुम किसी का बिजनेस खरीदने वाले, तुम क्या खरीदा है, एसेट लाइबिलिटी और उस एसेट से जुड़ता हुआ प्रॉफिट्स खरीदा है, फ्यूचर प्रॉफिट्स, जिसको अपने गुडविल बोलते हैं। कितना का एसेट होगा, 18 लाख 20 लाख का एसेट होगा यहां पे, कम से कम 2 करोड़ के नीचे नहीं बेचेंगे, बता रहे हैं। तो एसेट तो 20 लाख का ही है, वैल्यूएशन 2 करोड़ आ रहा है, किस लिए, क्योंकि इस बिजनेस से, ये जो ब्रांड है इससे एक फ्यूचर प्रॉफिट अटैच हो गया है। स्टडी ओनली एट एक्चुएटर्स, इस तरीके का, राइट है ना। तो परचेस, हमने बिजनेस खरीदा, मतलब क्या खरीदा, तुम्हारा एसेट, तुम्हारा लाइबिलिटी, मतलब कल जो एसेट एक्स एंड वाई का, एक्स का था, आज वही एसेट किसका होगा, कंपनी का होगा, ठीक है। तो कंपनी ने कुछ खरीदा है तो कंपनी क्या करेगा, परचेस कंसिडरेशन पेएबल बाय एक्स प्राइवेट लिमिटेड टू एक्स, आज ही देना पड़ेगा कंपनी को पैसा एक्स को। तुमने किसी का बिजनेस खरीदा, वाला एसेट एंड लाइबिलिटी खरीदा, और एसेट ज्यादा होता है लाइबिलिटी से, राइट। तो एसेट माइनस लाइबिलिटी, क्या एसेट माइनस लाइबिलिटी इज नाटो, क्या नाटो, नेट एसेट टेकन ओवर, क्या बोलते हैं इसको। तुम देख लो, जो एसेट एंड लाइबिलिटी एक्स के थे वहां से कंपनी के हुए, एक्स के पास में एसेट है 20 लाख के, लाइबिलिटीज है 5 लाख का, तो नेट एसेट कितना खरीदा, 15 लाख, तो 15 लाख विल बी पीसी। और नाटो में अगर गुडविल जोड़ देंगे, अगर मान लो तुम्हारा फ्यूचर प्रॉफिट भी है तो वो भी पीसी में ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली एसेट माइनस लाइबिलिटीज नाटो, एंड व्हाट इज पीसी, नाटो प्लस गुडविल इफ एनी, अगर होगा तो, नहीं तो नाटो ही पीसी होगा। ये पीसी कंपनी को देना कब है, एक्स को, आज ही, आज खरीदा आज ही पैसा देना, शर्मा जी वाला केस। लेकिन कंपनी चाह कर भी अप्रैल के पहले नहीं देगी, पता क्यों, ये इनका प्रोसीड्योरल डिफिकल्टीज है। हम चाह कर भी, सर कंपनी का बैंक अकाउंट में परचेस कंसीडरेशन 10 लाख, कंपनी का बैंक में 15 लाख रुपया पड़ा हुआ है, बोले कंपनी को दे देगी। अरे भैया ये कंपनी है किसका, एक्स का, तो इसका मेजर शेयर रखेगा कौन, एक्स, बाकी का शेयर बाजार में बिकेगा, हाँ या ना, प्रमोटर अपने पास मैक्सिमम शेयर रखेगा कि नहीं रखेगा, हम धंधा थोड़ी बेच दिए, कन्वर्ट किया है। अरे बाप रे बाप, इसका मतलब कंपनी इसको परचेस कंसिडरेशन जो देगी वो शेयर में देगी, और क्या कंपनी शेयर इश्यू कर सकता अपना बर्थ सर्टिफिकेट के पहले, सेकेंड सेमेस्टर लॉ तुम लोग पढ़ा होगा ना, कंपनी लॉ, यस और नो, कंपनी इनकॉर्पोरेशन के पहले कोई भी शेयर डिबेंचर इश्यू नहीं कर सकती। तो मिनिमम डिले तो 3 महीने का होगा ही होगा, भगवान श्री कृष्ण भी आएंगे तो भी नहीं रोक पाएंगे ये डिले को, क्योंकि सामने वाला को कंसिडरेशन में क्या चाहिए, शेयर, एंड वो शेयर कंपनी, वो शेयर कंपनी क्या अप्रैल के पहले इशू कर पाएगी, नहीं इशू कर पाएगी ना, इनकॉर्पोरेशन के पहले कंपनी इशू
नहीं कर पाएगी, राइट? तो क्या लग जाएगा? इंटरेस्ट लग जाएगा, हाँ या ना? तो इसका मतलब जब हम अप्रैल में शेयर इशू करेंगे, शेयर इशूड टू मिस्टर एक्स, शेयर इशूड टू मिस्टर एक्स फॉर परचेज कंसिडरेशन प्लस इंटरेस्ट पेड टू मिस्टर एक्स फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 3 months ऑन परचेज कंसिडरेशन, यस और नो? तो कंपनी के लिए तो ये भी एक्सपेंस हो गया ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, मतलब एक्स, वेंडर मतलब जिससे हमने खरीदा बिजनेस, सेलर को वेंडर बोलते हैं ना, इंटरेस्ट पेड ऑन परचेज कंसिडरेशन, राइट? तो ये भी कंपनी के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। बताओ ये खर्चा कहां जाएगा? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में आएगा, ये खर्चा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में आएगा। ये इंटरेस्ट जो दिया कंपनी, कौन से समय का दिया है? कौन वो 3 महीना कौन कौन सा है बोलो? जनवरी, फरवरी, मार्च। और जनवरी फरवरी मार्च क्या? जनवरी फरवरी मार्च प्री में आ रहा है कि पोस्ट में आ रहा है? तो कहां जाएगा ये इंटरेस्ट? प्री वाला प्रॉफिट जब निकालेंगे तब माइनस करेंगे। मान लो एक्स को हमने शेयर के साथ साथ डिबेंचर भी इशू किया है, तो 1 तारीख से एक्स शेयर होल्डर भी है, इस कंपनी का डिबेंचर होल्डर भी है। परचेस कंसिडरेशन में आप कुछ भी दे सकते हैं, शेयर, डिबेंचर, कब जो उसको चाहिए। अच्छा, इस डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हाँ या ना? तो डिबेंचर इशू किया तो डिबेंचर पे डिबेंचर इंटरेस्ट आएगा, ये भी एक्सपेंस है, हाँ या ना? ये वाला एक्सपेंस कहां जाएगा? प्री में जाएगा कि पोस्ट में? पोस्ट में, क्योंकि जब से इशू करेगा, जब से लोन लेगा, तब से ना इंटरेस्ट लगेगा। तो डिबेंचर इशू तुमने यहां किया है, कहां किया है? अप्रैल में। तो अब जो डिबेंचर इंटरेस्ट है वो कौन से समय का है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओ पहले खत्म हो गया, फिर से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। समझ में आ रहा मेरा बात? हाँ। तो अगर क्वेश्चन में देगा इंटरेस्ट ऑन पीसी, क्या पीसी कहां जाएगा? वो प्री इनकॉर्पोरेशन में, क्योंकि वो परचेस कंसिडरेशन पे इंटरेस्ट है, जनवरी फरवरी मार्च। और डिबेंचर इंटरेस्ट लिखा रहेगा तो, क्योंकि डिबेंचर उसके बाद इशू किया। अच्छा, कई बार आप लोग एग्जाम में देखेंगे कि 1 अप्रैल को पीसी नहीं पेमेंट हुआ है, ये तो मिनिमम डिले था, अब कंपनी 1-2 महीना और डिले कर देता है, नहीं दिया, 2 महीना बाद देगा, शेयर इशू करेगा। कंपनी के पास एलिजिबिलिटी कब आ गया था शेयर इशू करने का? 1-4 को ही, लेकिन किया कब? 30 जून को, और 3 महीना डिले कर दिया। तो सामने वाला ब्याज कितना महीने का लेगा? 6 महीना का। अब बता वो 6 महीने का ब्याज में कितना प्री में, कितना पोस्ट में? 3 महीना इधर, 3 महीना उधर। समझ में आ रहा मेरा बात? ब्रेन खुल गया होगा एकदम, ठीक है? तो इंटरेस्ट ऑन परचेस कंसिडरेशन यूजुअली प्री में जाता है, क्योंकि ऑन द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हम लोग परचेस कंसिडरेशन पे कर देते हैं, राइट? अगर बाद में पे हुआ तो डेट बोल देगा, तो देख लेना 6 महीना में कितना प्री कितना पोस्ट, और डिबेंचर इंटरेस्ट हमेशा पोस्ट में जाएगा। क्लियर हो गया ये बात? हाँ। अच्छा सर, पीएल में तो और भी खर्चा होगा ना, सैलरी होगा, रेंट होगा, डेप्रिसिएशन होगा, पूरे साल साल का होगा, सिंगल बुक्स बताया ना, सिंगल पीएल देगा, उसको 2 में बाइफरकेट करना है। तो सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन, बताओ ये किस पे वेरी करता है? टाइम पे ना, मंथली वाइज देते ना, सैलरी रेंट तो मंथली देते हैं, तो जो पूरे साल का सैलरी होगा, पूरे साल का रेंट होगा, 3:9 में, क्या? क्योंकि प्री 3 महीने का है और पोस्ट कितना का है?
तो 12 महीने का जो रेंट है उसको 3 महीना 9 महीना, 12 महीने का जो सैलरी है 3 महीना 9 महीना, डेप्रिसिएशन 12 महीने का 3 महीना 9 महीना. वॉट अबाउट कैरेज आउटवर्ड, वॉट अबाउट कमीशन ऑन सेल्स, वॉट अबाउट एडवर्टीजमेंट? क्या ये मंथली होता है? मुटिया बाड़ा जो सेल डिलीवरी होता है ना, स्विगी वाला जो डिलीवरी कर रहा है, राइट, ये जो डिलीवरी कॉस्ट होता है कस्टमर के यहां पे, जो डिलीवरी करने का जो कॉस्ट होता है, ये क्या मंथली फिक्स होता है? किस पे डिपेंड करेगा? सेल पे. जितना ज्यादा सेल होगा उतना ज्यादा कैरेज आउटवर्ड, उतना ज्यादा कमीशन देना पड़ेगा एजेंट्स को. हाँ, यस और नो? तो कहने का मतलब है आपको 3 महीने का सेल्स भी निकालना पड़ेगा और 9 महीने का सेल्स भी निकालना पड़ेगा. वो था 3:9 टाइम वाला फैक्टर, टाइम रेशियो बोलते हैं उसको. 3 महीने का, जैसे मान लो पूरा 12 महीना में सेल्स हुआ है 12 लाख रुपया, फर्स्ट 3 मंथ्स में 4 लाख. इवेनली नहीं बोला है, अगर इवेनली बोलेगा तो टाइम रेशियो ही सेल्स रेशियो हो जाएगा. अगर हर मंथ में इवेनली है तो कोई दिक्कत ही नहीं, देन द टाइम इज इक्वल टू सेल्स. बट बोल देगा पहला 3 महीने का सेल्स है 4 लाख, 9 महीने का सेल्स है 8 लाख, तो 4:8, समझ में आ रहा है? 1:2 विल बी द सेल्स रेशियो, उस रेशियो में अपने डिवाइड करेंगे, ठीक है ना? हाँ, तो अपने को क्या करना है, अपने को वी हैव टू फाइंड आउट अ क्लोज नेक्सस कि किससे रिलेटेड है ये. क्लियर? आइए. सो ये हमने बताया बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट, मैंने खाली ये दो डिस्कस किया, रेंट सैलरी डेप्रिसिएशन. जो टाइम से रिलेटेड वो टाइम रेशियो में डिवाइड होगा और जो सेल से रिलेटेड है वो सेल्स रेशियो में. बाइफर्केट कर देंगे हर आइटम को. अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट पूरा साल का एक ही बनाएंगे, मतलब ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, वो सब डिवाइड वाइड नहीं होगा. ट्रेडिंग अकाउंट पूरे साल का एक आएगा, जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा क्या उसको डिवाइड करेंगे. तो उसको क्या रेशियो में डिवाइड करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है? सेल्स पे. वेरी गुड, समझ में आ गया ना? हाँ, तो ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स रेशियो में डिवाइड हो गया. टाइम में क्या क्या डिवाइड होगा? सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन, ठीक है, जो मंथली पेमेंट होता है. सेल्स रेशियो में क्या क्या डिवाइड होगा? कैरेज आउटवर्ड, क्योंकि इनवर्ड तो ट्रेडिंग में आ चुका, कमीशन ऑन सेल्स, एडवर्टीजमेंट, बैड डेट, जो सेल्स रिलेटेड है, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, सब अलग अलग नाम से बोलेगा आपको, राइट, डिवाइड हो गया. इंटरेस्ट ऑन पीसी यूजुअली कहां आता है? प्री में, लेकिन अगर डेट बाद में होगा तो ब्राइफरकेट कर लेंगे. डिवेंचर इंटरेस्ट कहां आएगा? पोस्ट. क्वेश्चन में डिविडेंड दिया रहेगा, ध्यान से बताओ, डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर, एकदम ध्यान से बताना, डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर, कौन बोला? पोस्ट. वेरी गुड, क्योंकि प्री वाला से तो डिविडेंड दे ही नहीं सकते, वही तो इस चैप्टर का बेस है, वही तो इस चैप्टर का बेस है. तो डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर कहां आएगा? समझ में आ रहा है मेरा बात? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अपने पास ग्रॉस प्रॉफिट बाइफरकेट हो चुका है, सारा खर्चा भी बाइफरकेट हो चुका है, तो प्री वाला ग्रॉस प्रॉफिट से प्री वाला सारा एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो कैपिटल प्रॉफिट आ जाएगा. पोस्ट वाला ग्रॉस प्रॉफिट से पोस्ट वाला सारा खर्चा माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? रेवेन्यू प्रॉफिट. समझ में आ रहा मेरा बात? अब पीएल का फॉर्मेट इज डिफरेंट, टी फॉर्मेट नहीं है. टी फॉर्मेट नहीं है, वर्टिकल फॉर्मेट है, राइट? तो मैं क्विकली थोड़ा सा टाइम लूंगा, पीएल का फॉर्मेट दिखा देता हूं, देन वी विल गो फॉर अ प्रॉब्लम, ठीक है? आइए फटाफट कॉपी करेंगे. ये सब लिखा हुआ है, मैं बताऊंगा, मैं आपको जो बुक दिया हूं, राइट, उस बुक में आप लोगों को मिलेगा ये, ठीक है? यू कैन चेक नाउ, मैंने आपको जो बुक दिया है, देखिए बुक में मिलेगा आपको ये चीज ना. ई बुक तो देता ही रहता हूं मैं, फिजिकल कॉपी भी दिया हूं आप लोगों को, चेक करिए. एंड जो वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को कोरियर से आया होगा बुक, आप लोग खोल के देखिए. चैप्टर का फर्स्ट पेज में आपका इंडेक्स में देख लीजिए, प्रॉफिट लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कौन से चैप्टर में है, राइट? तो पहला इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जो मैंने आपको लिखाया कि रनिंग बिजनेस को टेक ओवर किया जा रहा है फ्रॉम अ डेट प्रायर टू इट्स इनकॉर्पोरेशन, उसको कैपिटल प्रॉफिट बोला जाता है, राइट, ब्ला ब्ला ब्ला. उसके बाद देखिए बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट दिया हुआ नेक्स्ट पेज में, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स रेशियो में डिवाइड होगा,
कॉमन चार्जेस जो फिक्स्ड है मंथली वाला, टाइम रेशो में डिवाइड होगा। बहुत सारा खर्चा सेल्स पे वैरी करता है, बहुत सारा खर्चा सेल्स पे वैरी करता है, वो सेल्स रेशो में डिवाइड हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन पीसी यूजुअली प्री में आता है, बट अगर बाद में पेमेंट हुआ है परचेस कंसिडरेशन तो वो ब्रेकअप देख लेंगे। डिवेंचर इंटरेस्ट पोस्ट में आता है। अच्छा, प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है? पेज टू, चैप्टर का पेज नंबर 2 और 3 में बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट। प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन के पहले वाला खर्चा, जैसे मार्केट सर्वे, मार्केट रिसर्च, कोई रिपोर्ट बनाया। अच्छा, ये सब जो इतना इतना जो काम कर रहे हैं ना, कंपनी रजिस्ट्रेशन का फ्री में थोड़ी आता है। हम जैसा चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास तुमको आना पड़ेगा, एमओए, हम लोग ये अदर प्रोफेशनल सर्विस है हमारा, आप किसी और के पास भी जा सकते हैं अगर ड्राफ्टिंग आता है तो। आपको एमओए एओए का ड्राफ्ट करवाना पड़ेगा। अच्छा, कंपनी का जब नेम अप्रूवल करते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन थोड़ा फीस लगता है। अच्छा, कंपनी जब आप मान लो 5 लाख का कैपिटल से रजिस्टर करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ता है। ये सब आपका प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस का कैटेगरी में आता है। बताओ ये प्री में जाएगा कि पोस्ट में? नहीं, ये इनकर होता है प्री में, इनकॉर्पोरेशन के पहले वाला खर्चा है ये, बट ये पोस्ट वाला पीएल में आएगा। किस में आएगा? तो लिख लो, एक नोट देके, हल्का सा नोट देके लिख लो वहीं पे बुक में, एक नोट देके, हालांकि लिखा हुआ है फिर भी मैं लिखा दे रहा हूं। प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस दो इट इज इनकर्ड प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस दो इनकर्ड प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन बट इट इज एडजस्टेड अगेंस्ट प्रॉफिट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, अगेंस्ट प्रॉफिट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वाला प्रॉफिट से एडजस्ट होगा। ठीक है, हाँ मैं आपको दिखा देता हूं, राइट, कैसा होता है वर्टिकल फॉर्मेट। राइट, तो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा हम लोग लिखते थे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च और डिसंबर डॉट डॉट ईयर, रियल लाइफ में करेंट ईयर और लास्ट ईयर दोनों का रिपोर्ट करना पड़ता है शेयर होल्डर को हमेशा, बट मैं खाली एक का ही दिखा रहा हूं, एक ही कॉलम बना रहा हूं। सबसे पहला आता है इनकम, इस इनकम में पहला आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब सेल्स वगैरह। लेकिन हम लोग के सम्स में, हम लोग तो ट्रेडिंग अकाउंट अलग से बना रहे हैं, तो यहां पे सेल्स नहीं आएगा, क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। हमारे सम्स में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम क्या लिखेंगे? डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे। ठीक है, अदर इनकम, कुछ रेंट रिसीव हुआ या इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, राइट। तो ये हमारा टोटल इनकम नंबर वन।
देन वी हैव एक्सपेंडिचर, पूरा तरीका से करना है बेटा, बेतरीके वाला काम नहीं है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, पहले इनकम का टोटल कर लिया, एक्सपेंडिचर का टोटल कर रहा हूं। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री, बट हम लोग जब सम करेंगे ये तीनों ही नहीं आएगा। क्यों? हमारे सम्स में ये तीनों ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ये सब चीज दिखा रहे हैं ना। अपने क्या कर रहे हैं? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, तो ये चेंजेस इन इन्वेंट्री नहीं आएगा। परचेज लिख देते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से सेल्स लिख देते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली लिख रहे हो ना आप। तो व्हेन यू आर राइटिंग ग्रॉस प्रॉफिट, इसका मतलब ये तीनों ही नहीं आएगा, आया ना, क्योंकि आप नेट रिजल्ट लिख रहे हो। तो डोंट टेक दिस एक्सपेंडिचर, राइट? कंफ्यूजन मत लाना अपने आप में। ट्रेडिंग अकाउंट आप अलग से बना रहे हो, इस चैप्टर में नहीं लेना है। नॉट टू बी इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर एज ट्रेडिंग अकाउंट इज बींग प्रिपेयर्ड सेपरेटली। तो ट्रेडिंग वाला जो आइटम है वो नहीं आएगा, डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ठीक है, देन वी हैव एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये आएगा, सैलरी है। देन वी हैव फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट वगैरह। देन वी हैव डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, इंटेंजिबल एसेट्स पे जब डेप्रिसिएशन देते हैं तो उसको एमोर्टाइजेशन बोला जाता है। मेरे पास जगह नहीं है, अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, तो आएगा टोटल एक्सपेंडिचर, फिर आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 1 - 2 - टैक्स एक्सपेंसेस, सो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हमारा पीएल का फॉर्मेट है। राइट, अभी क्या है,
एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में तो सैलरी आ गया, फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑन पीसी और डिवेंचर इंटरेस्ट, हाँ डेप्रिसिएशन में एसेट का डेप्रिसिएशन वगैरह आ गया, अब रेंट कमीशन कैरेज आउटवर्ड एडवर्टीजमेंट ये सब इसमें आएगा। तो आपको क्या करना है, ये सब का अलग अलग एक वर्किंग नोट बनता है, उसके बाद फिगर यहां आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का सब एग्जाम में क्या होगा, ये तो पीएल का फॉर्मेट बताया हमने एज पर कंपनी का जो शेड्यूल टू में दिया हुआ है, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 में, हम उसका बात नहीं कर रहे हैं। अब फॉर्मेट अपने को यही रखना है, वी कैन डू स्लाइट चेंजेस, जैसे हमारे दो अमाउंट कॉलम होंगे करेंट ईयर में ही, प्री एंड पोस्ट, फिर हमारे को यहां पे एक बेसिस कॉलम भी रखना पड़ेगा, मतलब हमारा चेंजेस क्या आएगा, पहला तो ये डिवाइड हो जाएगा प्री में पोस्ट में, फिर हमें को एक कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा यहां पे, इंसर्ट कॉलम, उसका नाम होगा बेसिस, तो लिखना पड़ेगा जीपीएसआर सैलरी टीआर डेप्रिसिएशन टीआर, अदर एक्सपेंसेस में कमीशन ऑन सेल है तो वो एसआर, अदर एक्सपेंसेस में रेंट है तो वो टीआर, गेटिंग माय पॉइंट। तो हमारा पीएल थोड़ा देखो ट्रांसफॉर्म हो गया, एक डिफरेंट लुक आ रहा है। फर्दर ये हेडिंग वाइज पॉसिबल नहीं है, तो अपने जैसे जैसे आइटम आता जाएगा वैसे वैसे बैठाते जाएंगे, इज दैट फाइन, हाँ आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चलिए आइए लेट अस स्टार्ट। तो पेज नंबर वन में है इंट्रोडक्शन, टू एंड थ्री में है बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट, पैराग्राफ फॉर्म में भी दिया हुआ है, पूरा चार्ट भी बनाया हुआ है, राइट, हमने डिस्कस भी कर दिया है। टाइम रेशियो सेल्स रेशियो, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर वन पढ़िए, रीड इलस्ट्रेशन वन, मिल गया क्वेश्चन, स्टार्ट रीडिंग इलस्ट्रेशन वन। इंदर एंड विष्णु पार्टनरशिप में था, वो लोग कंपनी बनाने का सोचा है, दे वर्किंग इन पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अ कंपनी, कंपनी का नाम दिया फेलो ट्रैवलर्स लिमिटेड, और कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ 31 मई 2007 को, इट टू टेक देयर एग्जिस्टिंग बिजनेस, मतलब पहले पार्टनरशिप बिजनेस इज नाउ गेटिंग कन्वर्टेड इन टू अ कंपनी, एंड कंपनी का नाम क्या है, फेलो ट्रैवलर्स लिमिटेड। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कब हुआ, 31 में लिख दिया है पहला लाइन में, लिखा था कि बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप को खरीदा जाएगा 3 लाख रुपया में, और बिजनेस कब से खरीदा गया है, 1 जनवरी 2007, इसका मतलब
कंपनी स्टार्टेड व्हेन? 1st जनवरी. उसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ? 31st में. इसका मतलब कंपनी इज ऑपरेटिंग प्रायर टू इट्स इनकॉर्पोरेशन. अगर कंपनी इज ऑपरेटिंग प्रायर टू इट्स इनकॉर्पोरेशन तो कंपनी मस्ट हैव अर्नड प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन. दैट प्रॉफिट इज कैपिटल प्रॉफिट. कैन यू गिव डिविडेंड आउट ऑफ इट? नो. ठीक है. अच्छा, परचेस कंसिडरेशन 3 लाख था, याद रखना ये चीज. अच्छा, ये परचेस कंसिडरेशन देना कब है पार्टनर्स लोग को? जिस दिन रजिस्टर होगा उस दिन देना है कि जिस दिन बिजनेस खरीदा उसी दिन दे देना है? खरीदा उसी दिन दे देना है. लेकिन कम से कम डिले कितना दिन का होगा? 5 महीने का तो होगा ही होगा, क्योंकि पार्टनर लोग को परचेस कंसिडरेशन में क्या चाहिए? शेयर डिवेंचर. वो कंपनी कब इशू कर पाएगी? आफ्टर रजिस्ट्रेशन, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, राइट? उसके पहले नहीं. वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा. एनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय द कंपनी प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन. समझ में आ रहा ना? एनीवेज, बोला जब तक आप पीसी का पैसा नहीं देंगे ब्याज लगेगा 6% पर एनम तक. तो हमने पीसी का पैसा जून को दिया है, हालांकि हम 31 मई को दे सकते थे, हमने जून में दिया है. तो इंटरेस्ट कितना महीने का लगेगा? 6 महीने का. जनवरी में ड्यू था पैसा, जनवरी में बिजनेस खरीदा, दिया कब? जून में. तो 6 महीने का डिले है. तो 3 लाख का 6% 6 महीने का करो तो कितना आता है? 3 लाख का 6% 6 महीना 9000. देखो नीचे जो पीएल दिया है ना पूरे साल का, उसमें 9000 ही होगा. इंटरेस्ट ऑन परचेस कंसिडरेशन अप टू जून 9000 है ना. अब बताओ ये जो 6 महीने का जो डिले वाला इंटरेस्ट है, ये प्री में कितना जाएगा? समझदार बोल देगा तो समझ में आ जाएगा. 5 महीना प्री में और 1 महीना. समझ में आ रहा मेरा बात? तो इसका रेशियो होगा 5:1 में, ये खर्चा डिवाइड होगा प्री पोस्ट में, राइट? अच्छा, हम झूठ नहीं बोलते हैं. देखो नीचे लिखा है परचेस कंसिडरेशन में हमने शेयर दिया है, डिवेंचर दिया है, तो कम से कम 5 महीने का डिले तो होना ही था ना. हाँ, अच्छा, 7% डिवेंचर दिया है 1.5 लाख का. ध्यान से देखना, 7% डिवेंचर 1.5 लाख का. ये डिवेंचर हमने दिया कब? पोस्ट में, मतलब 30 जून को दिया ना परचेस कंसिडरेशन, 30 जून को दिया. तो डिवेंचर इंटरेस्ट कहां से कहां तक का आना चाहिए? जुलाई से दिसंबर तक का. हाँ या ना? जुलाई से. तो 1.5 लाख का 7% फॉर 6 मंथ्स करो कितना होता है? 1.5 लाख का 7% फॉर 6 मंथ्स 5,250. देखो नीचे पीएल में तुमको दिखाई देगा 5,250 डिवेंचर इंटरेस्ट. दिख रहा है? हाँ? दिख रहा है? कहां जाएगा ये पूरा का पूरा? पोस्ट में जाएगा, क्योंकि जून ऑनवर्ड्स मई ऑनवर्ड्स सब पोस्ट है. समझ में आ रहा ना? पहला पैराग्राफ सम के पूरा समझ में खुला? ये क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन. अच्छा, लिखा है पूरे साल का एक पीएल बनाया है ये लोग, क्योंकि पूरा साल सिंगल बुक्स फॉलो किया है. जैन से दिसंबर अपने को बाइफरकेट करना है. अच्छा, तो एक बात बताओ टाइम रेशियो कितना आएगा? 5:7. पूरा साल का 12 महीना में 5 महीना प्री है, 7 महीना पोस्ट है. वो तो इंटरेस्ट ऑन पीसी 6 महीने का था बोल के 5 महीना प्री में आया, 1 महीना पोस्ट में आ रहा है. वो उस पर्टिकुलर एक्सपेंस का रेशियो है, बट एक्चुअल में टाइम रेशियो कितना है? 5 और 7. ठीक है. अच्छा, ओ माय गॉड, ट्रेडिंग अकाउंट बना के दे दिया है. देखो ट्रेडिंग अकाउंट, सिंगल ट्रेडिंग अकाउंट, इसी को यूज कर लेंगे, अलग से बनाएंगे नहीं कॉपी में, है ना. पीएल जो सिंगल बना उसको बाइफरकेट कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट से. अच्छा, तो ग्रॉस प्रॉफिट है क्या रेशियो में डिवाइड होगा? सेल्स रेशियो पता होना चाहिए. तो जनवरी से मई का और फिर जून से दिसंबर का, देखो ऊपर में जो सेल्स दिया वो बाइफरकेट करके ऑलरेडी दिया हुआ है. जनवरी से मई का है 60,000, जून से दिसंबर का 1,20,000. कितना हुआ? 1:2. टाइम रेशियो 5:7. तो ग्रॉस प्रॉफिट 1:2 में डिवाइड हो जाएगा. अच्छा, सैलरी एंड वेजेस जल्दी बोलो कौन से रेशियो में डिवाइड होगा? टाइम रेशियो, क्योंकि फिक्स खर्चा है. नेक्स्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट पूरा पोस्ट में आएगा ये, ठीक है ना. कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद इश्यू हुआ है तो इंटरेस्ट उसके बाद का है. डेप्रिसिएशन पूरे साल का है, टाइम रेशियो. इंटरेस्ट ऑन पीसी
जून तक का है तो मई तक का इंटरेस्ट प्री में और जून वाला इंटरेस्ट पोस्ट में. सेलिंग कमीशन 1:2, वेरी गुड, सेल्स रेशो में जाएगा, कमीशन है ना. नेक्स्ट डायरेक्टर्स फीस, डायरेक्टर लोग को डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग रखना पड़ता है, उसके लिए दे गेट फीस. हर साल में मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग्स रखना पड़ता है, वो कंपनी लॉ में तुम लोग पढ़ा होगा, तो उसके लिए उसको फीस मिलता है. तो कंपनी का बर्थ कब हुआ? 31st में. तो डायरेक्टर का जो बोर्ड मीटिंग होगा वो सब कब होगा? उसके पहले का बोर्ड मीटिंग कोई मतलब ही नहीं है. तो डायरेक्टर फीस प्री में आएगा कि पोस्ट? वेरी गुड. प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस का खर्चा होता कब है? प्री में, लेकिन आएगा कौन सा प्रॉफिट में? पोस्ट में आएगा. वेरी गुड. प्रोविजन फॉर टैक्स बाद में बताएंगे. डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, जो बता दिया. क्यों? क्योंकि प्री वाला प्रॉफिट से डिविडेंड नहीं दे सकते. समझ में आ रहा मेरा बात? अब बात करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स का. कंपनी का बर्थ कब हुआ? कंपनी बिजनेस कब से कर रही है? 1 जनवरी, राइट? अकाउंट्स में तो कंपनी लॉ में लिखा कि प्रायर इनकॉर्पोरेशन वाला से आप डिविडेंड नहीं दे सकते. टैक्स कौन लेता है? कंपनी लॉ लेता है क्या? इनकम टैक्स. कौन? तो कानून के नजर में, क्या कानून के नजर में जनवरी में कंपनी का जन्म नहीं हुआ था. मतलब कंपनी, कंपनी मतलब ही नहीं, कंपनी धंधा कर रही है अपने नाम से, लेकिन वो कंपनी नहीं मानी जाएगी. कंपनी कब मानी जाएगी? 31st में. मतलब इन द आईज ऑफ इनकम टैक्स लॉ टिल 31st में इट इज पार्टनरशिप. इन द आईज ऑफ लॉ टिल 31st में इट इज पार्टनरशिप. कानून के नजर में जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता वो पार्टनरशिप है. तो वो टैक्स भरेगा ना, कंपनी थोड़ी भरेगी. तो कंपनी में जो प्रोविजन दिया हुआ है टैक्स का, वो कौन से वाले प्रॉफिट का है? पोस्ट वाले का है ना, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन का पहला कानून के नजर में आज भी वो क्या है? पार्टनरशिप. कानून मतलब कौन सा कानून? इनकम टैक्स लॉ के बारे में बात हो रहा है. तो ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स है ये कहां जाएगा? पोस्ट वाला प्रॉफिट का है, बिकॉज प्री वाला प्रॉफिट से वो एज अ कंपनी टैक्स नहीं भरेगा, एज अ पार्टनरशिप भरेगा. तो कंपनी का पीएल में, कंपनी का पीएल में अगर टैक्स दिख रहा है तो कौन सा टैक्स होगा? पोस्ट वाला होगा ना, राइट? समझ में आया मेरा बात? हाँ, इज दैट फाइन? आइए फटाफट कर लेते हम लोग. नोट नंबर 1, टाइम रेशियो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड 1/1/7 से लेके 31/5/7, कितना महीना? 5 महीना. पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड 1/6/7 से लेके 31/12/7, 7 महीना. है ना? तो TR कितना आएगा? 5:7. हाँ, टिल डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये प्री में आता है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से फर्स्ट ईयर एंड पोस्ट में आएगा. बराबर है? एनी प्रॉब्लम ब्रो? चलो ऑब्वियसली एग्जाम सॉल्यूशन करा रहे हैं हम, सबका नंबर रहता है. सेल्स रेशियो प्री इनकॉर्पोरेशन में सेल्स क्वेश्चन में बोल दिया है. ये वाला टाइम पीरियड जनवरी से लेके मई तक का सेल 60,000, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल्स जून से लेके दिसंबर 1:20, SR 1:2.
इज दैट फाइन? समझ में आ रहा है? अब आइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 07। बेसिस प्री इनकॉर्पोरेशन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। इनकम में सबसे पहला है ग्रॉस प्रॉफिट, क्या रेशियो में डिवाइड होगा ग्रॉस प्रॉफिट? 60,000 है ना, पीएल तो सिंगल है, ट्रेडिंग सिंगल से ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब पीएल को बाइफर्केट कर देंगे तो पीएल में देखो ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा है, तुम लोगों को दिख रहा है? 60,000 दिख रहा है तुम लोगों को? ऐसा कोई है जिसको नहीं दिख रहा हो? पता भी क्या हुआ, वो तुम्हारे तरफ की, तुम उसको किया और वो उसको किया, राइट? समझ में आ रहा है? इज दैट फाइन? सबको दिख रहा है? आइए, क्या होगा SR 1:2, तो 60,000 को डिवाइड कर दो 1:2 में, 20:40। रेशियो में डिवाइड करना नहीं आता तो क्लास से चले जाइए। हाँ, इसमें हंसने वाली कोई बात ही नहीं है, 5 मिनट में क्लास ही ऑफ हो जाएगा। अच्छा, वैसे ही बिजली बिल ज्यादा है, बंद कर दो। इनकम में जीपी आया, टोटल कर लीजिए, इनकम का टोटल कितना है? 20:40 टोटल इनकम रोवन वन, ठीक है। नंबर टू, एक्सपेंडिचर, वो उसमें जो कैटेगरी वाइज है ना वो नहीं दिखाने का दरकार, लाइन से आप सारा लिख दीजिए। आइए बोलो, सबसे पहला क्या दिख रहा है? पहले सारा लिख लेते हैं, सैलरीज, उसके बाद डिवेंचर, नहीं डिवेंचर इंटरेस्ट, उसके बाद डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन, देन सेलिंग कमीशन, देन डायरेक्टर्स फीस, देन प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस, देन प्रोविजन फॉर टैक्सेस, देन ठीक है, तो ये आएगा टोटल एक्सपेंडिचर, फिर 1-2 कर देंगे प्रॉफिट आ जाएगा। ये होगा कैपिटल प्रॉफिट और ये वाला होगा, समझ में आ गया? तो पहले करते हैं सम,
बताओ, पहले सबका रेशियो बता दो, सैलरी कौन से रेशियो में जाएगा? टीआर 5.7, डिवेंचर इंटरेस्ट पूरा पोस्ट में जाएगा, वेरी गुड। डेप्रिसिएशन 5:7, इंटरेस्ट ऑन पीसी 5:1, क्योंकि 6 महीने का टोटल इंटरेस्ट है ये। अप टू में जाएगा प्री में, और जून महीना वाला जाएगा पोस्ट में। सेलिंग कमीशन एसआर 1:2, डायरेक्टर फीस पोस्ट, क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद ही बोर्ड मीटिंग्स होगा। प्रेलिमिनरी पोस्ट इनकर होता है प्री में, बट राइट ऑफ होगा पोस्ट में। प्रोविजन फॉर टैक्सेस पोस्ट, ठीक है। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर पोस्ट, ठीक है। राइट, ठीक है। आप लोग अपना अपना करिए, मैं भी अपना अपना करूंगा। तुम्हारा नाम जितेश है क्या? तो दोस्त लोग आएगा क्या आज? अच्छा, फोर वन सिक्स सेवन, फाइव एट थ्री थ्री, फाइव टू फाइव जीरो, फोर वन सेवन फाइव एटी थ्री, 9000 को डिवाइड करना है, 7500, 1500, 1500, सेल्स कमीशन डायरेक्टर्स फीस 600, ये 900, राइट। छ हजार, 5000। अब इसका टोटल अलग करेंगे, इसका टोटल अलग करेंगे। 4167, 417, 7.5, 3, 150, 84, 5833, 5250, 583, 1500, 6000, 600, 900, 6000 और 5000, कितना आ रहा है? 3166। तो लास्ट में जगह नहीं बचा, प्रॉफिट ये आएगा, कैपिटल प्रॉफिट, और ये आएगा रेवेन्यू प्रॉफिट। 20,000 माइनस 15084, 4916,
ये दोनों प्रॉफिट को जोड़ेगा ना, तो देखो सिंगल पीएल में जो प्रॉफिट दिया है ना 13,000 कितना दिया हुआ है। हाँ तो उसका टोटल यही आएगा, क्योंकि उसी को तो बाइफरकेट है ना दो पार्ट में, 4916 प्लस 8334, 13,250 आ गया। सो इस चैप्टर में यही है, समझ लो कि दिस इज द टफेस्ट प्रॉब्लम वी हैव डन। हाँ अब एग्जाम में और कुछ भी नहीं आएगा, अलग अलग टाइप का ये सेल्स रेशियो कैलकुलेट करने देगा। राइट सो आने वाले क्लासेस में वी विल प्रैक्टिस मोर सम्स ऑन दिस। टिल देन गुड बाय।